जय हिंद वंदे मातरम साथियों, समूचे हिमाचल प्रदेश के लिए देश की सरहद से दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। हिमाचल के जवान की अरुणाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना में मौत के दुखद समाचार सामने आए हैं। यहां जवान आईटीबीपी में तैनात थे और डैड वहां पहले ही उनका विवाह हुआ था। जवान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल के जजोली गाँव के रहने वाले थे। जवान की मौत की खबर जैसे ही घर पहुंची और उनकी नवनहेली दुल्हन सहित पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जजोली गाँव आईटीबीपी के जवान दीपेश अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में शहीद हो गए हैं। जवान की मौत की खबर मिलते ही घर और गांव में मातम छा गया। वहीं जिस नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी नहीं उतरा था, उनका सुहाग उजड़ गया है। ऐसे में पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की है। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे। बची हो जो एक बूंद लहू की तब तक, बची हो जो एक बूंद लहू की तब तक, भारत माँ तेरी आंचल को नीलाम न होने देंगे, तेरी आंचल को नीलाम न होने देंगे। जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में 7 जनवरी को दीपेश परमार ड्यूटी के दौरान एक वाहन की चपेट में आ गए थे और वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां घायल जवान को सेना के अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के दौरान वे वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कि दीपेश परमार अभी 3 वर्ष पहले ही आईटीबीपी में भर्ती हुए थे। बेटे के भर्ती के होने के बाद परिजनों ने डैड माँ पहले 22 नवंबर को दीपेश का विवाह कर दिया था। शादी के लिए दीपेश छुट्टी आए हुए थे। परमार अभी 8 दिन पहले यानी 29 दिसंबर को ही अपनी नई नवेली दुल्हन को घर छोड़ वापस ड्यूटी पर लौटे थे। 8 दिन बाद ही उनके मौत की खबर से पूरे परिवार सहित गाँव को सदमे में डाल दिया है। माँ भारती के लाडले बेटे ने अपने कर्तव्यपथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। शहीद जवान के चरणों में अपर समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कोटि कोटि नमन करता है और उनके अदम्य साहस को सलाम करता है, जिन्होंने अपने घर परिवार की चिंता को छोड़कर देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। शहीद जवान बता दें कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में तैनात जिला हमीरपुर के जजोली गांव के वीर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में तैनात जिला हमीरपुर के जजोली गांव के वीर सपूत दीपेश परमार जी अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। समस्त प्रदेशवासियों को प्रदेश के इस वीर सपूत पर गर्व है। ईश्वर से दुर्गत आत्मा की चीर शांति और अत्यंत दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार को हौसला प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। सुखविंदर सिंह सिक्कू ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस को सलाम किया है। बता दें कि तिरंगे में लिपटे माँ भारती के लाडले बेटे का पार्थिव देह कल उनके पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां शहीद जवान को राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। मुझे हिमाचल प्रदेश के लिए देश की सरहद से निकलकर दुखद खबर सामने आ रही है, जहां आईटीबीपी में तैनात हमीरपुर जिले के रहने वाले आईटीबीपी के जवान दीपेश परमार अपने कर्तव्यपथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। बता दें कि डैड माँ पहले ही इनकी शादी हुई थी और अभी नवनवेली दुल्हन के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। ऐसे में शहादत की खबर मिलते ही उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अपडेट के लिए आप बने रहें अपर समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तब तक के लिए जय हिंद।